रामपुर सांसद आजम खान ने ईदगाह में नमाज अदा की और फिर वहां पर मौजूद लोगों के गले लगा कर ईद की बधाई भी दी और फिर मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने न केवल ईद की बधाई दी बल्कि सपा बसपा गठबंधन टूटने पर भी बयान दिया। लखनऊ ऐशबाग में ईद की नमाज अदा की गई। लाखों की संख्या में लोगों ने अमन और चैन के लिए नमाज पढ़ी और फिर एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। इनामी बदमाश सानू कुरैशी समेत दो बदमाश गिरफ्तार और शराब में मिलाने वाले केमिकल और थिनर की सप्लाई करते थे। जहरीली शराब कांड में तीसरी मुठभेड़। सानू कुरैशी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, उसका इलाज जारी है। वाराणसी में शौचालय में अनियमितता को लेकर सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल करना ग्राम के एक युवक को भारी पड़ गया। गांव के प्रधान ने दबंगों के साथ मिलकर युवक को पीट पीट कर घायल कर दिया। युवक अस्पताल में भर्ती है, पुलिस ने मामले पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। और आगरा में कांग्रेस नेता मायथान और दो अन्य लोगों के खिलाफ हरिपर्वत थाने में मारपीट, बंधक बनाने और गाली गलौज की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों को के आरोपी शाहनवाज की हत्या के 5 आरोपी को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। झांसी में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 जालसाजों को बबीना थाना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और ये तीनों जालसाज अखबारों में विज्ञापन देकर भर्ती प्रक्रिया कर रहे थे और युवाओं को सी सर्टिफिकेट देने का वादा भी कर रहे थे। फरुखाबाद नगर से तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इसमें किसानों ने लेखपाल की लापरवाही द्वारा किसान सम्मान निधि योजना का लाभ न मिल पाने की शिकायत की है। जालौन पुलिस ने फर्जी अपहरण की घटना की साजिश रचने वालों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में पुलिस अधीक्षक जालौन सौम्य प्रसाद ने मीडिया में खुलासा किया है। मैनपुरी की केशरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगातार कई लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके दो शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पुलिस ने लूट का माल भी जब्त कर लिया है। लखीमपुर खीरी में आइसक्रीम खाने से 3 गांव के बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी बच्चों को इलाज के लिए मितौली सीएससी में भर्ती करवाया गया है। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।